नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के धार जिले के इंदौर से पुणे जा रही महाराष्ट्र रोडवेज की एक बस खालघाट इलाके में पुल रेलिंग तोड़ने के बाद नर्मदा नदी में गिर गई। अब तक 15 लोगों को बचाया गया है जबकि 13 शव बरामद कर लिए गए हैं। बस में लगभग 40 लोग सवार थे। राहत और बचाव कार्य जारी है। बारिश के बीच उफनती नदी में बस को निकाल लिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रातः कल घाट खरगोना में हुई बस घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया है कि बस के नदी में गिर जाने की सूचना मिलते प्रशासन को शीघ्र पहुंचने के निर्देश दिए गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। जिला प्रशासन घटनास्थल पर है। मुख्यमंत्री ने SDRF को भेजने का निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक संसाधन घटनास्थल पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। खरगोना इंदौर जिला प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। मौके पर सभी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी और रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। रेस्क्यू के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही न्यूज़ के लिए हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।